यहाँ पे? हमारा चैन छीन कर तुम बेफिक्री से सो रही हो? क्या हुआ? सवाल हम तुमसे पूछेंगे जोधा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुम हमसे नफरत करती थी ना, हमसे बदला लेना चाहती थी ना, तुम हमें चोट पहुंचाना चाहती थी तो हम पर हमला करती। अपने भाइयों के साथ मिलकर उस मासूम की जान के साथ क्यों खेला जो इस दुनिया में आया भी नहीं था? ये आप क्या कह रहे हैं चंचा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ कर गुजरने के बाद अनजान बनने का नाटक मत करो जोधा। हमें यकीन है कि तुम इतनी जलील हरकत कर सकती हो। अपने भाइयों के साथ मिलकर तुमने रुकैया बेगम को तदुरे कार केसर में मिलाकर खिलाया ताकि उसकी कोख में बन रहा हमारा बच्चा मर जाए। ये आप क्या कह रहे हैं शंशा? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमसे बदला लेने के लिए, हमें चोट पहुंचाने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हर गुनहगार पकड़े जाने पर यही कहता है चोधा, लेकिन सजा से बच नहीं पाता। तुम भी नहीं बच पाओगे चोधा। लेकिन हमने क्या क्या? तुमने हमारी औलाद को मारा है। उस केसर के डिब्बे में धतूरे का मिला जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मिला। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? ये बताना मुश्किल है, लेकिन जलाल को मालूम हो गया है कि वो धतूरे कार आया कहाँ से। कहाँ से हुजूर? आमेर के केसर से। क्या? और आपने उस केसर को चखवाया था? फिर कैसे? ख्वाजा शेरा ने यह बात साबित कर दी है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन रेशम हमें इस बात का ताज्जुब है कि कोई हम को चकमा दे गया। ऐसी चाली तो हम चलते हैं, इस कदर दिमाग हमारा दौड़ता है, फिर वो कौन है जो हमसे एक कदम आगे की सोच रहा है? गलती किसी की भी हो पर रुकैया बेगम को सजा भुगतनी पड़ी। तकलीफ सबको हो रही है रेशम। काश तुमने जलाल का चेहरा देखा होता, कितना खुश था जलाल। जलाल की तकलीफ हमें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुगलिया सल्तनत के दरवाजे पर खुशी दस्तक देकर चली गई। इसका मतलब जोधा बेगम ने जो दूध में केसर मिलाया था उसमें धतूरे का अर्थ था। साबित तो यही हुआ है, लेकिन एक बात बताएं, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि बेगम जोधा को भी नहीं पता था कि जो केसर वो दूध में मिला रही है उसमें धतूरे का अर्क मिला हुआ है। ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है वजीरे आलिया। पेचीदा ही नहीं, सियासी मामला हो गया है ये, क्योंकि ये बात पता चली है कि ये धतूरे का अर्क के जहर मुगलिया सल्तनत की सरहद के अंदर नहीं बनता, यानी कि ये जहर बाहर से आया है। कोई है जो मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने ये काम किया है, और हमें यकीन है रेशम कि वो हमारे इस आगरा के महल में मौजूद है। वो जो भी है, शहंशाह उसे सामने ले ही आएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उससे क्या होगा? मुगलिया सल्तनत का वारिस तो वापस नहीं आएगा ना। गुस्ताखी माफ हो वजीरे आलिया, पर आप ही तो चाहती थी ना कि बेगम रुकैया मरियम उल जमानी ना बने। हाँ, हम अब भी चाहते हैं कि रुकैया मरियम उल जमानी ना बने। हाँ, हम नफरत करते हैं रुकैया से, लेकिन हम रुकैया के कोख में पल रहे जलाल के बच्चे से नफरत नहीं करते थे। जलाल बच्चा है हमारा रिश्ता, जलाल के बच्चे को हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुगलिया सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आने से पहले दुनिया छोड़े। हम बच्चे से नफरत नहीं करते थे। या अल्लाह, रहमत दी भी और छीन भी ली, कैसा कहर है तेरा मौला। या परवरदिगार, रुकैया टूट गई है, उस पर रहमत बख्श हमारे मालिक। इतनी बड़ी साजिश, वो भी इस महल में। ये बात सिर्फ इस महल की नहीं रह गई है बेगम, यह मामला अब निजी नहीं रहा, सियासी हो गया है। जोधा बेगम और उनके भाइयों ने सिर्फ साजिश नहीं की, मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत छेड़ी है। या खुदा, कुछ समझ नहीं आ रहा, किस गुनाह की सजा दे दी खुदा ने भाईजान को,
हमने तो शहनशाह को पहले ही खबरदार किया था, पर हमारी सुनता ही कौन है? अब शहनशाह को पता चला होगा कि आमिर का खजाना लौटाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया, उन्हीं आमिर वालों ने शहनशाह की पीठ में छुरा भोंका। गलती तो हमसे ही हो गई थी कि आमिर की जंग के बाद तीनों भाइयों को शहनशाह के सामने जिंदा पेश किया। उन तीनों को वही खत्म कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। हुआ हमारे हक में हुआ, एक तीर से दो शिकार। आगरा के तख्त पर हक जमाने वाला तो गया, अब जोधा बेगम के साथियों का खून हम अपनी शमशीर को पिलाएंगे। बेगम साहिबा, शहनशाह जलाल ने बेगम जोधा और उनके चारों भाइयों को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया है। हिरासत में ले लो इन सबको। अपराध क्या है हमारा? तो मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस का कत्ल, शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की होने वाली औलाद के कत्ल की साजिश, ये सब तुम्हारी नजरों में गुनाह नहीं है? ये झूठ है शरीफुद्दीन, हमें से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। जो कुछ भी कहना है शहनशाह के सामने कहना, दीवाने खास में ले चलो इन्हें। बेगम साहिबा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? दीवाने खास में। शहनशाह ने आपको और आपके भाइयों को हिरासत में लेकर दीवाने खास में पेश होने का हुक्म दिया है। रुकैया, खुदा बिगाड़ता है तो सवारता भी है। हमें खुदा से शिकायत नहीं है अम्मी जान, जोधा का क्या बिगाड़ा था हमने कि उसने हमारी औलाद हमसे छीन ली? मैं भाइयों के साथ मिलकर इतनी जलील साजिश की। जिन्होंने ये साजिश की है हम उन्हें सजा जरूर देंगे, मौत से बदतर सजा। हम बस ये बताने आए हैं कि जोधा और उसके भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। जो कुछ हुआ उसका अफसोस सबको है जलाल, और हमारा मशवरा है कि फैसला ठंडे दिमाग से लेना। गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले शहनशाह और तख्त की शान को जोधा ऐसा कर सकती है, ये हमारा दिल अब भी नहीं मानता। अम्मी जान, तमाम सबूत है उनके खिलाफ, कोई बहस नहीं होगी। यही लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं। ताकि इन्हें इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। लेकिन शहनशाह, आपको बुआ से की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। खामोश! क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि जब हम बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? गुनहगार है तुम्हारी फूफी। हमारी बुआ सा गुनहगार नहीं है। हम गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। बागी का साथ देने वाला भी बागी होता है। यदि यही बात है तो हम भी आपके गुनहगार हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते कि हमारी बुआ सा और पिताश्री ने कोई गुनाह किया है। गुस्ताखी माँ बादशाह सलामत, ये सच है कि आप ही मुगल इंसाफ के हरफ़ आखिर और अव्वल हैं। इंसाफ करना आपका हक भी है और आपके इंसाफ पर कोई शक भी नहीं है, लेकिन बिना बहस और पुख्ता सबूतों के बिना सजा सुनाना मुगल रिवायत के माकूल नहीं है। मुल्ज़िम को एक बार सफाई का मौका देना ही मुगलिया इंसाफ का उसूल है, भले ही गुनाह कितना ही संगीन क्यों ना। कोई सफाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।